जल बन गई, साइट्स ऑफ ब्लू क्रिएशन स्टिल लग रही है थिएटरों में इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ओवरसीज भी. मुझे आया फीडबैक कि बहुत एक्साइटमेंट है, लॉट्स ऑफ पीपल आर कॉलिंग. तो आई होप द सेम एक्साइटमेंट इज हियर ऑल्सो इन इंडिया, पंजाब, स्पेशली नॉर्थ, जम्मू, हिमाचल, सब जगह, गंगानगर, राजस्थान, सब जगह ऐसी लग रही है. एंड फिल्म में एक फ्रेशनेस है, आप देख सकते हैं द लीड पेयर आर वेरी यंग एंड वेरी गुड लुकिंग. और यूथ के लिए भी है, फैमिलीज के लिए भी, पारिवारिक फिल्म है. और इमोशंस है, रोमांस है, म्यूजिक है. खासकर जितने गाने हैं फिल्म के, तीन रिलीज होते थे वो सुपर हिट है. बाकी सात को लग रहे हैं वो भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छे जाएंगे. तो म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. और कॉमेडी भी एक नई तरीके से है, जुमले जुमले जोड़ के लिए, बल्कि कहानी के फ्लो में है. तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सबको ये पिक्चर अच्छी लगेगी. और आप ये फिल्म को थिएटर पे ही देखिएगा, बिकॉज इसके सॉन्ग्स, पिक्चराइज सब इतने ब्यूटीफुल हैं कि वो बिग स्क्रीन पे ही आपको मज़ा आएगा. फिर कुछ लगा कि कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि अब इतनी सारी पंजाबी फिल्में बन रही हैं सब जगह. मुझे मालूम है ज़्यादातर लोग विलेज को ही टच करते रहे. पंजाब में ये माइंड में सेट हो गया कि पेंडू कहानी होनी चाहिए, बट पंजाबी शहर में भी रह गया, पंजाबी ओवरसीज में रह गया. आई थॉट आई मेक अ सब्जेक्ट ऑफ शहरी पंजाबी का, तो इधर जिमें शहरी पंजाबी फैमिली पे है. और कुछ न्यू है इसलिए ह्यूमर कुछ नया लगता हो कि मतलब आपने देखा होगा जब बधाई अलग लगाई थी, बहुत कंट्रोवर्सी थी कि बधाई हो एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, है ना. तो क्योंकि दो जनरेशन के बीच में, तो ये फिर भी मतलब लोगों को लग रहा होगा कि ये क्योंकि बेटी बाप के लिए ढूंढ रही है ना. जो सर्कमस्टांसेस है कहानी में, वो सर्कमस्टांसेस लॉजिक देंगे बेटी के ढूंढने में. और मतलब बेटी के भी और से मतलब उससे प्यार करती है, उसके मतलब एडवाइस पर दोनों मिल के अब प्लान बनाए. अब इतने छोटे प्लान बनाते अच्छे लगते हैं ना, कोई समझदार मैं दिखाऊँ तो अच्छा वो नहीं लगता. लेकिन ये अपने प्लान में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? ये देखने वाली बात कि ये तो प्लान कर रहे हैं, देयर आर जनरेशन अबव देम, सेकंड जनरेशन. तो पहली बार सुनी सी मैं, पर वो तो पहली बार जी मैंने चंगी लगी थी. पहली बार जी मैंने लगे थी कि मैं इजीली कर सकता है, क्योंकि मैंने तो लगा कि बिल्कुल ही अपना करैक्टर बदल देना हो, मुझे बदले होना या कुछ भी चेंज करना, थोड़ा जहा मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं इन्नी ज़्यादा चेंज लिए रेडी नहीं हूँ. तो मैंने लगता कि मैं कर सकता, मेरे असली करैक्टर ना मिलती जल्दी मिलन है कि आप इदा ही होंगे जो स्टूडेंट होंगे. तो वधिया लगी सी पहला रिएक्शन, वधिया सी पहले रिएक्शन से. मैं कहता कि मैं पहलू ट्राई करनी चाहिए, तो की है कोशिश, बाकी पता नहीं हम रद्द जाने या तुम देख के दसोंगे की बनया. केमिस्ट्री बहुत वधिया सी, बहुत वधिया को आर्टिस्ट ने, इन्होंने नाल बड़ा कंफर्टेबल से शूट करना, बड़ा हासा मजाक चलता रहा सारे सेट से, बहुत वधिया लगे इन्होंने काम. इन्होंने मेरे तो ज़्यादा फिल्मा कीतियां, मैं तो स्टार्ट ही किया, इन्होंने पांच छह कीतियां, इन्होंने कैमरा फेस किया फिल्म वाला कैमरा, बहुत वधिया लगे, बहुत कंफर्टेबल. ਗੁਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ. ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ. ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿਲਾਈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਹੈ. ਬਾਗ ਸੁਹਾਣੇ ਵੀ ਜਨੂਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਲਾਬਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਗੁਲਾਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ
जेड़े आप गुलाबा वर्गे ने My husband, an associate director at the Hill Summit, we have directed the film together and produced also along with Arun Kumar. सर कोई ताड़ा कोई एक्सपीरियंस में फिल्म के बारे में जैसे फिल्म डायरेक्ट की थी थोड़ा कोई खास यात्रा का सीन फिल्म एक्चुअली 3 साल पहले तो हुई है थोड़ा कोविड करके थोड़ा लेट हो गई थी बट इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस हरियाणा में अंबाला में शूट करी थी हमने एंड मैम फिल्म का सब्जेक्ट